जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरेक्स डीएक्स सिरप किस बीमारी में दिया जाता है, इसका पिलाने का तरीका क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, यानी इसका नुकसान क्या है। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये जो कोरेक्स डीएक्स सिरप है ये किसी भी मेडिसिन दुकान पर मिल जाएगा, एक ब्रांडेड दवा है, ठीक है। कोरेक्स डीएक्स सिरप में डेक्सोमेथरफेन, हाइड्रोब्रोमिड, क्लोरोफेनरामाइन, मेलेट को मिला करके कंपोजिशन को तैयार किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप किस बीमारी में दिया जाता है, कौन से काम में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा। दोस्तों देखिए, किसी भी व्यक्ति को खांसी है, कफ है, श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है, जैसे कि खांसी है, कफ है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, सीना में ज़्यादा कफ हो गया है, उसके बाद घरघराहट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली दोस्तों ये समझ लीजिए कि खांसी, कफ और सर्दी में हम डेक्सो कोरेक्स डीएक्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम इसका और ये जो दवा है दोस्तों ये अल्कोहल फ्री है, अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में यूज भी कर लेते हैं बाई चांस, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में यूज कीजिएगा नहीं, तो ज़्यादा मात्रा में यूज कीजिएगा तो कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, इसमें अल्कोहल नहीं मिला हुआ है। अब हम इसको पिलाने का तरीका जानते हैं। तो इसका डोज जो है 6 साल से 12 साल के व्यक्ति को 5 ml सुबह शाम, और 12 साल से 20 साल के व्यक्ति को 8 ml सुबह शाम, और 20 साल से 70, 75 या 80 साल के व्यक्ति को 10 ml सुबह शाम। दोस्तों देखिए, स्थिति के अनुसार डोज जो है बढ़ सकता है, अगर ज़्यादा स्थिति खराब है तो आप 3 टाइम भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।